नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोमवार को महापुरुषों और राजनेताओं के समाधि स्थलों का दौरा किया है और उन्हें श्रद्धांजलि दी है। राहुल सबसे पहले राजीव गांधी के समाधि स्थल वीर भूमि पहुंचे और यहां उन्होंने अपने पिता राजीव गांधी को श्रद्धांजलि दी और इसके बाद राहुल ने इंदिरा गांधी की शक्ति स्थल पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। इसके बाद राहुल ने बापू के समाधि स्थल राजघाट कर उन्हें समाधि दी और राहुल इसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू के समाधि स्थल शांति वन और इसके बाद पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के समाधि स्थल राष्ट्रीय स्मृति स्थल पर भी श्रद्धांजलि देने पहुंचे। उन्होंने पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी को यहां पहुंचकर नमन किया और राहुल शनिवार को बापू की समाधि पर जाकर श्रद्धांजलि देने वाले थे, लेकिन पदयात्रा में भीड़ बढ़ने की वजह से समय लग गया और इसलिए उन्हें कार्यक्रम में बदलाव करना पड़ा। अब राहुल आज सुबह शांति वन और राजघाट समेत कई राजनेताओं को श्रद्धांजलि देने जाएंगे और इसके साथ ही बता दें आपको कि भारत जोड़ो यात्रा अब अगले 9 दिन तक बंद रहेगी। इसके बाद यात्रा 3 जनवरी से उत्तर प्रदेश से शुरू होगी और 3 जिलों को कवर करेगी। यूपी के जिला गाजियाबाद के लोनी बॉर्डर से भारत जोड़ो यात्रा एंट्री करेगी और इसके बाद 4 जनवरी को बागपत, 5 जनवरी को शामली और 6 जनवरी को केराना से होकर दूसरे चरण में हरियाणा के सोनीपत जिले में प्रवेश में कर जाएगी। आपको बता दें कि वहां से पंजाब और जम्मू कश्मीर के लिए रवाना होगी और बताते चले कि 7 दिसंबर को कन्याकुमारी से शुरू की गई यात्रा ने अब तक 10 राज्यों को कवर कर लिया है। इनमें तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली शामिल है। यात्रा ने 107 दिन में 9 राज्यों के 46 जिले कवर किए हैं और करीब 30,000 किलोमीटर की यात्रा पूरी कर ली है। अब सिर्फ 548 किलोमीटर की यात्रा बाकी है। कांग्रेस ने 150 दिन में 3500 किलोमीटर पदयात्रा का टारगेट बनाया है और अभी 3 राज्य यूपी, पंजाब और जम्मू कश्मीर से यात्रा का गुजरना बाकी है। गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 में बीजेपी को मिली ऐतिहासिक जीत का पॉजिटिव असर आगामी लोकसभा चुनाव पर पड़ेगा और ये दावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार यानी कि 25 दिसंबर को कहा कि हाल ही में संपन्न गुजरात विधानसभा चुनाव में बीजेपी की भारी जीत पूरी राजनीतिक तस्वीर को बदल देगी। उन्होंने भरोसा दिलाया है कि गुजरात में विजय का 2024 के लोकसभा चुनाव पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात चुनाव 2022 में बीजेपी के ऐतिहासिक जीत का हवाला देते हुए कहा कि पार्टी ने अपना और राज्य का रिकॉर्ड तोड़ते हुए सबसे ज्यादा सीटें हासिल की है। गुजरात चुनाव के परिणाम पार्टी के गढ़ होने का प्रमाण है और गृह मंत्री ने यह टिप्पणी रविवार को सूरत शहर की ओर आयोजित नवनिर्वाचित विधायकों के सम्मान समारोह को वर्चुअली संबोधित करते हुए आई है। उन्होंने कहा है कि गुजरात चुनाव में कई नई पार्टियां आई और अलग अलग दावे और गारंटी की बात की, लेकिन नतीजों के बाद अब साफ हो गया है कि नतीजों ने दिखाया कि गुजरात के लोग पीएम मोदी और बीजेपी का स्वागत करने के लिए तैयार थे। जीत ने देश को एक मजबूत संदेश दिया है। गुजरात क्षेत्र बीजेपी का गढ़ था और रहेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आगे ये भी कहा कि गुजरात विधानसभा चुनाव में ये जीत देश भर के कार्यकर्ताओं के लिए उत्साह, प्रेरणा, ऊर्जा का स्रोत है और 2022 विधानसभा चुनाव में रिकॉर्ड तोड़ नतीजे बीजेपी की बूथ सत्रीय समिति से लेकर प्रदेश अध्यक्ष और कार्यकर्ताओं की बदौलत है। उन्होंने ये भी कहा कि पीएम मोदी की जनता के बीच अपार लोकप्रियता है और यही कारण है कि बीजेपी ने गुजरात की 26 में से 26 सीटों पर 2 बार लोकसभा में जीत हासिल की है। गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया कि बीजेपी ने अपने शासन में अब तक एक भी घोटाले के बिना पारदर्शी, ईमानदार और समर्पित सरकार का उदाहरण पेश किया है और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अगले 5 साल तक हम सभी को पीएम मोदी के संदेश और जन कल्याणकारी योजनाओं के
लोगों तक पहुंचाने की चिंता करनी है और बीजेपी की जिम्मेदारी बढ़ गई है कि हमें लोगों की उम्मीदों को पूरा करना है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा के लिए उनकी सराहना की है और इसके साथ ही एमके स्टालिन ने कहा कि राहुल के भाषणों ने खलबली मचा दी है। देश के पहले प्रधानमंत्री दिवंगत जवाहरलाल नेहरू की प्रशंसा करते हुए स्टालिन ने कहा कि देश को धर्मनिरपेक्ष और समानता जैसे मूल्य को बनाए रखने के लिए उनके जैसा नेता और महात्मा गांधी की जरूरत है। डीएमके अध्यक्ष यहां राज्य कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और इसके साथ ही राज्य कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ए गोपन्ना की नेहरू पर लिखी गई पुस्तक ममानी थर नेहरू का विमोचन करने के बाद लोगों को संबोधित कर रहे थे और स्टालिन ने कहा कि नेहरू सच्चे लोकतांत्रिक वादी थे और इसके साथ ही संसदीय लोकतंत्र के प्रतीक थे, इसलिए सभी लोकतांत्रिक ताकतें उनकी जय जयकार करती हैं। और एमके ने कहा कि प्रिय भाई राहुल अखिल भारतीय भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं और राहुल के भाषणों से देश में खलबली मच रही है और वो चुनावी राजनीति या फिर दलगत राजनीति नहीं बल्कि विचारधारा की राजनीति कर रहे हैं और इसलिए कुछ लोगों से उनका कड़ा विरोध किया जा रहा है। राहुल की बातें कभी कभी नेहरू जैसी होती हैं। आश्चर्य केवल तब होगा जब नेहरू के उत्तराधिकारी इस तरह की बात नहीं करते। महात्मा गांधी और नेहरू के उत्तराधिकारियों की बातों से गोडसे के वंशज केवल कड़वा महसूस करेंगे और राहुल गांधी ने शनिवार को लाल किले पर पहुंचकर इस यात्रा को अल्प विराम दिया है। आपको बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा नए साल में 3 जनवरी से शुरू होगी और यात्रा को लेकर बड़े स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। राहुल गांधी ने लाल किले पर महंगाई, बेरोजगारी और देश में फैलाई जा रही नकारात्मक हवा के मुद्दे पर खुलकर बोला है और यात्रा ने अब तक 9 राज्यों को कवर भी कर लिया है। हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर सरकार ने एक अनोखा फैसला लिया है। राज्य में शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए सरकार ने मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारों से अपील की है कि सुबह सुबह छात्रों को उठाने के लिए अलार्म व्यवस्था को अपनाया जाए और धर्म स्थलों पर लगे लाउडस्पीकर से हर रोज सुबह के समय छात्रों को जगाने के लिए आवाज़ दी जाए और इसको लेकर भी इस पहल के माध्यम से सरकार छात्रों को सुबह जल्दी उठकर उन्हें पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करेगी। दरअसल मार्च के महीने में छात्रों के बोर्ड परीक्षाएं होती हैं और ऐसे में छात्रों को इसकी तैयारी करनी पड़ती है। राज्य के शिक्षा विभाग ने मंदिरों, मस्जिदों और गुरुद्वारे से 10वीं और 12वीं कक्षा के छात्रों को सुबह जल्दी जगाने को कहा है ताकि वे अगले साल मार्च में होने वाली अपनी बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी कर सकें। और इतना ही नहीं, संबंधित स्कूल अधिकारियों से भी कहा गया है कि वे माता पिता से अपने बच्चों को सुबह 4:30 बजे जगाने के लिए कहें ताकि वे इसके साथ ही सुबह के समय का उपयोग कर सके और स्कूल प्रशासन को जारी अधिकारी सूचना अधिसूचना में राज्य सरकार ने कहा कि पढ़ाई के लिए सुबह का समय सबसे उपयुक्त होता है और उस समय दिमाग तरोताजा रहता है और वाहनों का शोर नहीं होता। इसके लिए हर क्लास टीचर अभिभावकों को से अनुरोध करें कि वे अपने बच्चों को सुबह 4:30 बजे जगाएंगे और 5:15 तक पढ़ने के लिए बैठने को कहेंगे। इतना ही नहीं, इस अधिसूचना में आगे कहा गया है कि शिक्षक व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए भी पूछताछ करेंगे कि छात्र जाग गए हैं, पढ़ रहे हैं या नहीं। अगर माता पिता सहयोग नहीं कर रहे हैं तो इसे स्कूल प्रबंध समिति को ध्यान में लाना जाना चाहिए और इसके अलावा राज्य के मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारों के लिए आदेश जारी किए गए हैं कि अगले साल मार्च के महीने में प्रस्तावित बोर्ड परीक्षाओं के मद्देनजर स्कूलों के उत्तीर्ण परीक्षण में ही सुधार लाने के उद्देश्य से हरियाणा सरकार ने 10वीं और 12वीं कक्षा के छात्रों को जल्दी जगाने के लिए मंदिरों, मस्जिदों और गुरुद्वारों से अलार्म बजाने को कहा है।
संयुक्त किसान मोर्चा 26 जनवरी को हरियाणा के जींद में एक किसान महापंचायत का आयोजन करेगा। एसकेएम नेताओं ने शनिवार को करनाल में हुई एक बैठक के दौरान ये फैसला लिया और बैठक में ये भी फैसला लिया गया कि किसान 26 जनवरी को देश भर में अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन करेंगे। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि हमारे ऊपर कोरोना की गाइडलाइन लागू नहीं होती, पहले भी आंदोलन हुआ है और आगे भी होगा। और इसके साथ ही राकेश टिकैत ने बताया कि 26 जनवरी को हरियाणा के जींद में किसानों के बड़ी रैली का करने का निर्णय लिया गया है और इस रैली में हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश तक के किसान शामिल होंगे। वहीं बाकी राज्यों के प्रत्येक जिले में ट्रैक्टर मार्च निकाला जाएगा। और वहीं किसान नेताओं ने बताया कि 26 जनवरी की रैली के बाद मार्च में किसान दिल्ली में बड़ी बैठक करेंगे और बैठक कब होगी अभी इसकी तारीख घोषित नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन के दौरान देश भर में किसानों पर जो मुकदमे दर्ज हुए हैं उनको लेकर सरकार कह रही है कि उन्होंने केस वापस लिए हैं, लेकिन अब तक थाने में जो मुकदमे दर्ज हैं वो रद्द नहीं किए गए हैं। किसानों की रविवार को हुई बैठक में राकेश टिकैत ने दर्शन पाल और जोगिंदर सिंह उग्राहा समेत कई किसान नेता शामिल हुए और इस बैठक में किसान नेताओं ने कई मुद्दों पर मंथन किया, जिसमें हरियाणा और उत्तर प्रदेश में गन्ने का भाव काफ़ी कम होना और इसके साथ ही MSP पर सरकार की नीति के साफ नहीं और सहित कई मुद्दे जो थे वो चर्चा में किए गए। और इसके साथ ही आपको बता दें कि किसान नेताओं ने यह भी कहा है कि आंदोलन के दौरान जिन लोगों ने किसानों का सहयोग किया था सरकार अब उनको परेशान कर रही है, उनके घरों पर भी छापेमारी की जा रही है। तो आपको हरियाणा से खबर बता रहे हैं जहां पर जानकारी सामने आई है कि कोरोना गाइडलाइन लागू नहीं होती है, ऐसा राकेश टिकैत ने बयान दिया है। आपको बता दें कि फिर से राकेश टिकैत ने 26 जनवरी को किसान महापंचायत हरियाणा में होनी है और जिसको लेकर बात की गई है। राकेश टिकैत ने बताया है कि 26 जनवरी को हरियाणा के जींद में किसानों की बड़ी रैली करने का निर्णय लिया गया है और इस रैली में हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश तक के किसान शामिल होंगे और वहीं बाकी राज्यों के प्रत्येक जिले में ट्रैक्टर मार्च निकाला जाएगा। वहीं किसान नेताओं ने यह भी जानकारी दी है कि 26 जनवरी की रैली के बाद मार्च में किसान दिल्ली में बड़ी बैठक करेंगे और बैठक कब होगी अभी इसकी तारीख घोषित नहीं की गई है। उन्होंने यह भी जानकारी दी है कि किसान आंदोलन के दौरान देश भर में किसानों पर जो मुकदमे दर्ज हुए हैं उनको लेकर सरकार कह रही है कि वो केवल केस जो है वो वापस ले लिए गए हैं, लेकिन अब तक थानों में मुकदमे जो हैं वो दर्ज हैं वो रद्द नहीं किए गए हैं। किसानों की रविवार को हुई बैठक में आपको बता दें कि राकेश टिकैत ने, किसान नेता राकेश टिकैत हैं जो, और इसके साथ ही दर्शन पाल और जोगिंदर सिंह उग्राहा समेत कई किसान नेता शामिल हुए थे और इस बैठक में किसान नेताओं ने कई मुद्दों पर मंथन भी किया है। इस साल दिल्ली में क्रिसमस बहुत धूमधाम से मनाया गया है और क्रिसमस पर चर्च तो रोशनी से जगमगा ही रहा था और इसके अलावा दिल्ली के सभी मॉल और खास बाजार क्रिसमस पर सजाए गए हैं। क्रिसमस के दिन एक दिन पहले ही दिल्ली से बाजार और गलियारे जगमगा रहे थे और त्यौहार के मौके पर दिल्ली के सभी छोटे बड़े चर्च में तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ और रौनक देखने को मिली है। वहीं कोरोना के खतरे ने इस त्यौहार की रौनक में कहीं ना कहीं चिंता की लकीर जरूर खींच दी है और दिल्ली के मॉल्स और इंडिया गेट पर भी क्रिसमस डे की शाम से काफी भीड़ रही। और इसके साथ ही आपको बता दें कि चर्च दिल्ली का फेमस चर्च है और इसको लेकर हार्ट कैथेड्रल चर्च में दिल्ली में जो है उसमें रौनक देखने को मिली है और जहां पर क्रिसमस धूमधाम से मनाया गया है। और इसी तरह सेंट जेम्स चर्च दिल्ली का सबसे पुराना चर्च माना जाता है और इस चर्च में भी क्रिसमस डे पर काफ़ी भीड़ देखने को मिली है। दिल्ली का एक और फेमस चर्च सेंट थॉमस चर्च भी जगमगा रहा था और आपको बता दें कि घूमने और वर्शिप के लिए दिल्ली के सभी चर्च में बड़ी संख्या में भीड़ और रौनक रही है। दिल्ली के डिफेंस कॉलोनी में मौजूद सेंट
ल्यूक चर्च को भी क्रिसमस डे पर बेहद खूबसूरती से सजाया गया और परिवार और दोस्तों के साथ लोगों ने दिल्ली में क्रिसमस का पर्व धूमधाम से मनाया। तो वहीं क्रिसमस पर शाम से ही दिल का दिल कहे जाने वाले कनॉट प्लेस पर भी खासी भीड़ देखने को मिली। कोविड से बेफिक्र होकर लोग दिल्ली के कनॉट प्लेस, इंडिया गेट, मॉल आदि जगह पर पहुंचे, बड़ी संख्या में पहुंचे और घूमते और जश्न मनाते हुए भी दिखाई दिए। वहीं दिल्ली में ही कुछ बाजार ऐसे भी थे जहां पर सन्नाटा पसरा रहा। यह सन्नाटा कोरोना की वजह से देखने को मिला। यहां के दुकानदारों का कहना है कि कोरोना को लेकर कहीं ना कहीं लोगों के मन में डर भी है और जिसकी वजह से लोगों ने अपने घरों में बंद रहकर क्रिसमस मनाना पसंद किया है। वैसे रविवार के दिन इन बाजारों में लोगों की भीड़ देखने को मिली थी, लेकिन इस रविवार के दिन क्रिसमस होते हुए यहाँ बहुत कम लोगों की मौजूदगी देखी जा रही है और इस जिस जगह पर सन्नाटा देखने को मिला है वो दिल्ली का पश्चिमी उत्तर नगर में मौजूद आर्य समाज रोड का मार्केट था। दुनिया में कोरोना महामारी ने एक बार फिर से भूचाल ला दिया है और चीन और इसके साथ ही जापान में इस कोरोना ने हाल बेहाल कर दिया है। बता दें आपको कि भारत में भी इसको लेकर खतरे की स्थिति पैदा होती जा रही है और चीन में पाए जाने वाले BF7 वेरिएंट ने भारत में भी दस्तक दे दी है, जिसके बाद सरकार अलर्ट मोड में आ गई है। बता दें आपको कि लगातार दिशा निर्देश जारी करके एहतियात बरतने की हिदायत दिया जा रहा है और महाराष्ट्र में आज कोरोना के 32 नए मामले दर्ज हुए हैं, जिसके बाद राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या 148 पर पहुंच गई है। वहीं इसकी राजधानी अगर बात करें तो मुंबई में 9 नए वेरिएंट दर्ज हुए हैं, जिसके बाद यहां पर एक्टिव मरीजों की संख्या 50 पर पहुंच गई है। मुंबई में 5 मरीज अस्पतालों में भर्ती हैं, जिनमें से 2 मरीज ऑक्सीजन स्पोर्ट पर है और इसके साथ ही अभी दूसरे देशों के मुकाबले भारत में कोरोना को लेकर उतनी गंभीर स्थिति पैदा नहीं हुई है, लेकिन सख्ती बरतनी जरूरी है और देश के 684 जिलों के COVID-19 संबंधित आंकड़ों के अनुसार बताया जा रहा है कि भारत में 8 जिलों में कोरोना वायरस संबंधित संक्रमण दर 5% से ज़्यादा है। इनमें अरुणाचल प्रदेश का लोहित 5.88%, मेघालय का रीभोई 9.9%, राजस्थान का करौली 5.71% और गंगानगर का बताया जा रहा है कि 5.66%, तमिलनाडु का डिंडुगुल 9.80% और इसके साथ ही उत्तराखंड का नैनीताल 5.66% शामिल है। रविवार सुबह के आंकड़ों के अनुसार भारत में पिछले 24 घंटे में COVID-19 के 227 नए मामले सामने आए हैं और उपचाराधीन मरीजों की संख्या बढ़कर 3,424 हो गई है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया ने बृहस्पतिवार को संसद में कहा था कि भारत में एक साल में संक्रमण के मामलों में कमी आई है और अभी औसतन प्रतिशत 153 नए मामले दर्ज हुए हैं। दुनिया में प्रतिदिन 5.87 लाख नए मामले सामने आ रहे हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पर रविवार को लगातार दूसरे दिन भी अंतर्राष्ट्रीय विमान यात्रियों की रैंडम कोविड जांच जारी रही, जिनमें से कुछ यात्री कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। आपको बता दें कि जेनस्ट्रिंग डायग्नोस्टिक सेंटर के एक अधिकारी ने कहा है कि दिल्ली एयरपोर्ट पर शनिवार यानी कि 24 दिसंबर की सुबह 10 बजे से रविवार 25 दिसंबर की शाम 7 बजे तक 455 यात्रियों की रैंडम कोविड जांच की गई। जांच में कुछ यात्रियों के टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और विशेष ब्यूरो का तुरंत पता नहीं लगाया जा सका है। आपको बता दें कि इसको लेकर जानकारी सामने आ रही है, उनका कहना है कि वायरस की जाँच की जा रही है और जिन चीन के साथ ही कई देशों में कोरोना वायरस के मामलों में तेजी से हो रही बढ़ोतरी के बीच भारत सरकार ने शनिवार से प्रत्येक इंटरनेशनल फ्लाइट से आने वाले यात्रियों में से 2% के लिए रैंडम कोरोना वायरस की जांच को अनिवार्य कर दिया है। सरकार के जारी बयान में कहा गया है कि इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर प्रतिदिन
जो है हर दिन को लेकर इसको औसतन 25,000 यात्री पहुंचते हैं और उनमें से जिन यात्रियों में कोरोना से संबंधित लक्षण पाए जा रहे हैं ऐसे में 500 यात्रियों की जांच की जा रही है और शनिवार को पहले दिन के अंत तक जेनेस्ट्रिंग्स ने लगभग 110 कोविड नमूनों के परीक्षण किए थे। एयरपोर्ट पर जाँच कर रही इस सेंटर की संस्थापक डॉक्टर गौरी अग्रवाल ने बताया है कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी निर्देश के बाद दिल्ली IGI एयरपोर्ट पर आ रहे 2% यात्रियों की जांच की जा रही है और उन्होंने ये भी जानकारी दी है कि पहले दिन के अंत तक जेनेस्ट्रिक ने लगभग 110 कोविड नमूनों की जांच की थी और वहीं रविवार तक जांच का आंकड़ा बढ़कर 450 हो गया, जिनमें से 2 यात्री कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और वहीं इनमें आधी फीसदी जो है यात्रियों की जो बताई जा रही है कि इनमें आधी फीसदी से भी कम यात्री संदिग्ध पाए जा रहे हैं। तो कोरोना का कहर फिर से एक बार देखने को मिल सकता है। जानकारी सामने आ रही है कि लगातार टेस्टिंग का दौर जारी हो गया है और इसके साथ ही गाइडलाइंस भी लागू कर दी गई हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।